व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्रीके ठाकुर। तो आज बात कर लेते हैं नेटफ्लिक्स पे आ रही एक सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज की, जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारी है, जिसका सस्पेंस आपको एंड तक बांधे हुए रखता है। और अगर इसका आपने लास्ट वाला एपिसोड नहीं देखा तो आप उलझ के रह जाओगे कि जो आपने दिमाग में इतना उथल पुथल मचाया हुआ है, जो आपने शर्लोक होम बन के इतना ज्यादा सोचा हुआ है, वो सब धरा का धरा रह जाएगा अगर आपने नेक्स्ट एंड वाला एपिसोड इसका नहीं देखा। 6 एपिसोड की ये वेब सीरीज है और ये इतने ज़्यादा कमाल के एपिसोड बनाए हुए हैं कि आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसी कौन सी वेब सीरीज आ गई है जिसके बारे में मैं इतना ज़्यादा अच्छा अच्छा बोल रहा हूँ, तो दोस्तों सब्र करिए, उसका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। उसका नाम है बिहाइंड हर आइज। जी हाँ दोस्तों, बिहाइंड हर आइज बहुत ही प्यारी वेब सीरीज है। इसका सस्पेंस बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। जिस तरीके से इसके 6 एपिसोड बहुत कम टाइम के एपिसोड हैं और 40-45 मिनट के एपिसोड हैं, 6 के 6 एपिसोड आप देखिए, एंड के एपिसोड में आपको इतना बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है कि आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। आपने जो 5 एपिसोड में देखा है, 6 एपिसोड में वो आपका पूरा का पूरा धरासा ही रह जाता है, आपके दिमाग के पड़खच्चे हिल जाते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन वेब सीरीज में जिस तरीके से लॉजिकली चीज आपको दिखाई गई है, वो बहुत ही ज्यादा मजा आ जाता है। ये एक सस्पेंस थ्रिलर ही नहीं, ये साइंस फिक्शन भी है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी बताई गई हैं, सपनों की रूहानी दुनिया के बारे में बताया गया है और बहुत ही प्यारे तरीके से बताया गया है। सबसे बड़ी बात है, इसमें जितने भी करेक्टर हैं, सब आर्टिस्ट ने बहुत ही अच्छा काम किया है, अपने एक एक करेक्टर को, एक एक पल को जिया है। डायरेक्टर ने भी बहुत ही खूबसूरती से एक रूहानी दुनिया और एक रियल दुनिया को बहुत अच्छे तरीके से पर्दे पर रखा हुआ है। राइटर की सबसे पहले मैं तारीफ करना चाहूँगा, हालांकि मैंने एक्टर और डायरेक्टर की कर दी है, कि राइटर ने जिस तरीके से इसमें सस्पेंस को डाला हुआ है, उसके सस्पेंस को देखते हुए ये वेब सीरीज को मैं 5 में से 4.5 स्टार तो देना चाहूंगा, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने हर चीज को दिखाया है। और ये ट्रेंडिंग में क्यों है नेटफ्लिक्स के ऊपर, ये आपको वेब सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि वेब सीरीज इतनी ज्यादा प्यारी है, इतना अच्छा इसका सस्पेंस है, इतने अच्छे तरीके से करेक्टर को दिखाया गया है, मैं तारीफ किए बिना रह ही नहीं पा रहा हूँ इस वेब सीरीज की। और सबसे बड़ी बात कि स्टार्टिंग फर्स्ट एपिसोड से ही आप जिसको विक्टिम मानते हो वो एक्चुअली में मुजरिम निकल जाता है, और जिसको आप मुजरिम मान रहे होते हो वो विक्टिम निकल जाता है। और इसमें इस तरीके से फेरबदल हुआ करा कि सेकंड एपिसोड में, थर्ड एपिसोड में आप सोचोगे नहीं नहीं शायद ये विक्टिम है, शायद ये ही, मैं सही बोल रहा हूँ कि ये ही मुजरिम हो सकता है, लेकिन एंड के एपिसोड में वो भी खत्म हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से मैं कंफ्यूज हुआ पड़ा था ये वेब सीरीज देखते देखते कि इसमें हो क्या रहा है, भाई साहब मेरे मतलब जो मैं पिछले एपिसोड में देखकर हटा हूँ, अगले एपिसोड में उसकी धज्जियाँ उड़ जा रही हैं। हालांकि मैं अपने आप को बहुत बड़ा शर्लक होम मानता हूँ और शर्लक होम मेरा वहाँ पे निकल जा रहा था, एंड के एपिसोड में तो बिल्कुल ही निकाल दिया उन्होंने, कि जिस तरीके से मुझे लगा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ डाल सकते हैं। तो कमाल का सस्पेंस है, कमाल की एक्टिंग है, कमाल का डायरेक्शन है और कमाल की राइटिंग स्किल है वेब सीरीज में। आपको एक बार जाकर ये वेब सीरीज देखिए नेटफ्लिक्स के ऊपर, ये हिंदी में आपको देखने को मिलेगी और इंग्लिश में भी ये ज़बरदस्त तरीके से सबटाइटल के साथ भी आप देख सकते हैं। और जो लोग थोड़े इंग्लिश में कमज़ोर हैं, हिंदी में देख लीजिए, बहुत ही प्यारी वेब सीरीज है। देखने के बाद अगर आप मेरी राय के साथ सहमत रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी रिकी ठाकुर के नाम से फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी गुफ्तगू करना चाहे तो कर सकते हैं मेरे साथ, और वीडियो लाइक कर सकते हैं अगर पसंद आया तो, और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनेगा ही आपका, क्योंकि मैं आपके लिए जो चीजें लेकर आता हूं और कोई नहीं लेकर आता, भाई साहब मैं सच बोलता हूं और सच के सिवा कुछ नहीं बोलता। थैंक यू वेरी मच।